पे क्लिक करेंगे और आज हमें बनाना है ये वाला लोगो जो आपके सामने मौजूद है। आप में काफ़ी ज़्यादा होशियार लोग भी हैं जो इसको बनाना जानते होंगे, लेकिन ये उनके लिए जो होशियार नहीं है। सबसे पहले हम अपने इस लेयर के ऊपर जहाँ ये फ़ोटो है उसकी जो अपीरियंस है उसको 5 पिक्सल कर देंगे ताकि हमें थोड़ा हल्का हल्का नज़र आए लेयर्स में जाके, ठीक है। उसके बाद इसको लॉक कर देंगे इसलिए कि सर ये देख सके। अब सबसे पहले आपने क्या करना है, एक अदद नया लेयर ऐड कराना है जिस पर आप ये काम करेंगे। लेयर ऐड करा लिए और उस पर जाके आपने एक सर्किल को डिज़ाइन करना है। अब या तो अपने हिसाब से बना लो या फिर इसके हिसाब से बना लो, बात तो एक ही है। तो सर्किल तो आपको डिज़ाइन करना पड़ेगा, उसके लिए मैं पहले एक गाइड यहाँ से ले लेता हूँ क्लिक करके रूलर में से, इसका सेंटर निकालने के लिए, और एक गाइड इस रूलर से ले लेता हूँ इसका सेंटर निकालने के लिए। तो ये देखिए बिल्कुल सेंटर पॉइंट आ गया इसका सर्किल का। और उसके बाद अगर ये थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है आपको लग रहा है तो फिर आप उसको कर सकते हैं ऊपर नीचे एडजस्ट, अब आ गया बिल्कुल सेंटर में, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ से एक सर्किल लेंगे, सर्किल लेके इसके सेंटर पॉइंट पे जाएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लिक करके अल्टर शिफ्ट के साथ इसको बनाएंगे। तो देखिए ये सर्किल इसके ऊपर इस तरह से बनाए, ठीक है। अब ये हमारा सेंटर पॉइंट इसके हिसाब से ही निकल गया, बस यही लेना था हमें, और तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं, तो खुद ही बनेगा आगे जाके। तो यहाँ पर जो है सिम्बल्स को ऑफ़ कर देते हैं, स्विचेस ऑफ कर देते हैं, स्ट्रोक चलो ठीक है। इसको यहाँ पे क्लिक करके एक आउटलाइन दे देते हैं, ये आउटलाइन आ गई इसके ऊपर एक सर्किल के ऊपर। कंट्रोल सी करके कंट्रोल शिफ्ट वी करके पेस्ट इन प्लेस करते हैं, ऑल्टर शिफ्ट के साथ एक और सर्किल इसके अंदर ले लेते हैं, ठीक है। डिस्टेंस देख लीजिएगा, कंट्रोल थोड़ा सा और कम करें, थोड़ा छोटा लगेगा, ठीक है। तो और थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, ठीक है। कंट्रोल सी करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट वी पेस्ट इन प्लेस, कंट्रोल शिफ्ट वी किया है मैंने, ठीक है। तो इसको इसके अंदर एक सर्किल के इस तरह से ले लेते हैं, 3 सर्किल आ गया। अब उसके बाद यहाँ पे ये सर्किल का डिज़ाइन भी है और ये डिज़ाइन आपने निकालना है। इस डिज़ाइन को निकालने का आसान सा तरीका ये है कि आप ऐसा करेंगे, यहाँ से क्लिक करके एक शेप बना लें इस तरह का जो सर्किल को क्रॉस करने के काम में आएगा, और उसके बाद इसको उसी पोजीशन पर सेट कर लें। थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, इसको जूम कर लें, यहाँ से पकड़ लें और इसको ले जाके आप इसके ऊपर इसके एक्चुअल जो शेप का कटिंग एज है उसके ऊपर सेट कर दें इसको। तो शेप का कटिंग एज मेरा ख्याल यही है, इसी तरह से लगा हुआ है इसके ऊपर, तो इस डायरेक्शन पर रख दें। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करके आपने क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करके शिफ्ट फिल्डर लेना है, रिफ्लेक्शन टूल लेके इसके सेंटर पॉइंट पे यहाँ क्लिक करना है, और इसके सेंटर पॉइंट पे क्लिक करके अल्टर शिफ्ट करके इसकी कॉपी ले लेनी है, तो सेम आपको वहाँ मिलेगा। फिर क्या करना है कि इस तरह से आपने इसको सेलेक्ट करना है, यानी कि इसको और शिफ्ट के साथ इसको सेलेक्ट करना है। जब दोनों शिफ्ट के साथ सेलेक्ट हो जाए तो रिफ्लेक्शन लेके इसके सेंटर पॉइंट में यहाँ पर रख के और उसको क्लिक कर देना है। उसके बाद हॉरिजॉन्टल कर देना है और यहाँ करके कॉपी कर देंगे, कॉपी कर देनी है, कॉपी करके ये आपको यहाँ पर भी मिल जाएगा, नीचे भी आ गया और ऊपर भी आ गया। उसके बाद आपने क्या करना है कि ये वाले शेप्स में से ये चीज़ें निकालने के लिए आपने सिंपली क्या करना है, इन दोनों को यहाँ से ऐसे सेलेक्ट कर लेना है और शिफ्ट के साथ इन दोनों को यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। ये सारे शेप ख़त्म हो गया सिलेक्शन, पहले इन तीनों को सेलेक्ट कर लो, उसके बाद शिफ्ट के साथ इसको और फिर इसको सेलेक्ट कर लो अलग से। शेप बिल्डर ले लो यहाँ पे, शेप बिल्डर लेने के बाद इसको इस तरह से डिलीट करो, ऐसे ऐसे और ऐसे कट कर दो, ठीक है। तो ये देखें कट हो गया, लेकिन ये कट सही नहीं हुआ क्योंकि ऑल्टर के साथ ये भी डिलीट होना था और ऑल्टर के साथ ये भी डिलीट होना था, ये भी गलत हो गया। दोबारा से अंडू करो, अंडू अंडू। अब देखें ऑल्टर के साथ हम पहले इसको डिलीट करते हैं, तो बार वाला सर्किल ही चला गया, क्रॉस सही नहीं हो पा रहा, ठीक है। तो फिर हम क्या करते हैं कि शिफ्ट के साथ इसको सेलेक्ट करते हैं, इसको सेलेक्ट करते हैं, ये वाला लेते हैं दोनों तरफ से और शिफ्ट के साथ एक इसको भी सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। और शेप बिल्डर ले गया, चलाने की कोशिश करते हैं, तो ये देखिए यहाँ से डिलीट हो गया और यहाँ से क्लिक करके ऑल्टर के साथ ये यहाँ से डिलीट हो गया, ठीक है। अब रह गया नीचे वाले हिस्से पर बात, तो फिर इसको भी सेलेक्ट कर लेते हैं इसी तरह से और शिफ्ट के साथ इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। फिर उसका शेप बिल्डर लेंगे, देखिए यहाँ से भी डिलीट हो गया और यहाँ से भी डिलीट हो गया और ऑल्टर के साथ इसको डिलीट कर दिया, उसको भी डिलीट कर दिया। तो ये देखिए परफेक्ट शेप इसका यहाँ से निकल आया। उसके बाद क्या करेंगे, इसके जो ये आउटलाइंस के ऊपर जो गोल गोल बने हुए हैं कंगूरे टाइप के, तो इसको बनाने के लिए आपने किस तरह का कंगूरा बनाया और इस कंगूरे को उठा के इसके साथ ऐसे सेट कर दिया। अब ये कंगूरा है, अंडा है या कुछ भी है, इसको ऐसे सेट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर क्लिक करके इसको उठा के आपने यहाँ पर रखा और यहाँ पर ले जा कर इसको इस तरीके से सेट कर देना, ताकि भाई ये ऐसे नज़र आए कि हाँ ये चीज़ इसके अंदर की है और ये यहाँ पर सेंटर में नज़र आना चाहिए। तो सेंटर में करने के लिए आपने इसको इस तरह से करके और यहाँ से सेंटर में इसको कर दिया शिफ्ट के साथ, जैसे सेंटर किया तो ये सेंटर में आ गया। और ज़्यादा शिफ्ट के साथ सेंटर में करेंगे तो फिर यहाँ से क्लिक करना होगा आपको,
ठीक है, तो ये देखिए इस तरह से बन गया। अब ये जो सर्किल इधर बना है, इसी सर्किल को यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए, शेप बिल्डर ले लीजिए, रिफ्लेक्शन टूल लेके यहाँ पे ऑल्टर के साथ क्लिक कीजिए इसके सेंटर पॉइंट पे। तो क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कॉपी करेंगे, किधर आ गया। उसके बाद इन दोनों को ही सेलेक्ट करें, यहाँ से शिफ्ट के साथ यहाँ से क्लिक किया, रिफ्लेक्शन टूल लिया ऑल्टर के साथ, यहाँ पर जाके क्लिक किया तो वर्टिकल टाइप पर चला गया, वहाँ पर आ गया, कॉपी कर गया, ये आ गया। तब ठीक है, उसके बाद अब क्या करना है, इसको सेलेक्ट कर लेना है, ओके इसको सेलेक्ट किया आपने यहाँ से लेके यहाँ तक में, और सेलेक्ट करने के बाद विंडोज़ पे जाके पाथ फाइंडर को खोल लेना है। तो पाथ फाइंडर कहाँ मिलेगा, विंडोज़ में जाएंगे, यहाँ मिलेगा पाथ फाइंडर, इसमें से एक ऑप्शन होगा फ्रंट माइनस बैक का, तो ये फ्रंट माइनस बैक इसे यूज़ कर लें यहाँ पर, और यहाँ पर भी इसको सेम तरीके से यूज़ कर लें फ्रंट माइनस बैक को, और फिर यहाँ पर भी यूज़ कर लें फ्रंट माइनस बैक को, और फिर यहाँ से भी सेलेक्ट कर लें फ्रंट माइनस बैक को। सेलेक्ट किया, कंप्लीट हो गया, ये आगे है कि पीछे है, अच्छा। तो अभी ऐसी सिचुएशन में जब ये नहीं हो पा रहा तो क्या करेंगे हम, देखते हैं क्या कर सकते हैं हम। पीछे फ्रंट माइनस बैक में इसका आगा होना लाजमी है, तो राइट बटन दबाएंगे, स्प्रिंग फ्रंट करेंगे, उसको खाली करेंगे, सेलेक्ट करेंगे और शेप बिल्डर में जाके, तो ये देखिए इस तरह से बन जाएगा। ये भी पीछे ही हुआ, ये देखिए हमारा शेप परफेक्ट इसके अंदर से निकल आया। अब रह गया मिसाल के भाई, अब इसके अंदर जो टेक्स्ट वगैरह लिखना है ये कैसे लिखेंगे, तो उसका भी आसान है। अब क्या करें कि आप इसी शेप की एक डुप्लीकेट ले लें यहाँ से, यहाँ पे अल्टर के साथ, उस पर क्या लिखना है, वाइल्डर्स वाइल्डरनेस, तो वाइल्डरनेस लिखना है। तो अब आप क्या करेंगे इसके ऊपर वाइल्डरनेस लिखने के लिए, उसी स्टाइल में यहाँ पर जाइए, यहाँ पर टेक्स्ट पर क्लिक कीजिए, टेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ से एक ऑप्शन लिए टेक्स्ट ऑन अ पाथ, टाइप होना पाथ, उस पर क्लिक करके यहाँ से क्लिक कर दीजिए, ये टेक्स्ट आ जाएगा इसके अंदर, इसमें लिखना है वाइल्डरनेस वाइल्डरनेस, कंट्रोल ए करेंगे, इसको सेंटर करेंगे तो ये कोने में घुस जाएगा, तो सेंटर नहीं करेंगे, यहाँ क्लिक करके इसको हम स्पेस के साथ आगे लेंगे, कैरेक्टर में स्पेस देने के लिए विंडोज़ में जाएंगे, टाइप पे क्लिक करेंगे, नीचे जाके कैरेक्टर मिलेगा, यहाँ पर से आप इसमें स्पेस दे सकते हैं। ओके उसके बाद अगर इसका सेंटर अलाइन चेंज करके आप इसको, ओहो टेक्स्ट अलाइनमेंट कहाँ है, यहाँ क्लिक करते हैं शुरू में स्पेस के साथ, इसको आगे लेके जाते हैं, ठीक है। तो लिखने के बाद हमने इसको कंट्रोल ए किया और इसको हमने फॉक्स बोल्ड कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और ये उठा के बिल्कुल उसके मुताबिक ही होगा क्योंकि उसी का डुप्लीकेट है, और ये बिल्कुल इस पर फिट बैठेगा, ठीक है। अगर ऊँच नीच होगा थोड़ा सा इस तरह से सेट कर लेंगे, तो ये इस तरह से आपका बैठेगा, चलो
इसी तरह से नीचे वाले पे भी लिख के इसके अंदर सेट कर देंगे। अब रह गया बीच वाला पार्ट, तो बीच वाला पार्ट तो आसान है, इस पर भी यहाँ से क्लिक करेंगे, एक बनाएंगे हम इसका डब्बा। तो ये कितना बड़ा होगा इसको देख लेते हैं। तो यहाँ से क्लिक करके इसको यहाँ से हटा लेते हैं और यहाँ पर जाके इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ठीक है, ऑल्टर के साथ थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। ठीक है, अंदर से खाली कर देते हैं इसको। खाली करने के लिए यहाँ क्लिक करेंगे, स्ट्रोक्स में इसकी स्ट्रोक्स पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से हमारे स्ट्रोक हो जाएंगे। ठीक है, और उसके बाद जो है स्ट्रोक किसी और पर लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अभी हमने इसको आउटलाइन दे दिया, लेकिन मैं सोचा था ब्लैक कलर ही दे, चलो दो दूसरे कलर में दे दी। अभी सर भी वही करेंगे, दो किस्म के अंडे बनाएंगे। और ऑल्टर के साथ यहाँ से क्लिक करके दोनों को यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, पाथ फाइंडर खोलेंगे। और उसको कर देंगे फ्रंट माइनस बैक। फिल्टर रिड्यूस नो रिजल्ट, प्लीज सेलेक्ट टू ऑब्जेक्ट्स। तो ये तो किए हुए, एक शिफ्ट दूसरा ये गया। ठीक है, सेम इधर कर लेते। ये पीछे होगा फिर। इस साइड से हो रहा है, उस साइड से नहीं हो रहा। कह रहा है कि द फिल्टर प्रोड्यूस नो रिजल्ट, प्लीज सेलेक्ट टू इंसर्शन। तो टू ही तो भाई है, दो ही तो हैं और एक थोड़ी है। काइट हटा दें, काइट हटा लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह ही इसको हमने क्रिएट कर दिया। अब रेखे अंदर की एक ये डंडी बनानी है और एक ये वाली डंडी बनानी है। ये आप बनाने ना भाई, पहाड़ जो बनाने अंदर के वो पहाड़ ऐसे बनेंगे।
चलो इस तरह से इसके अंदर तीन पार्ट बन जाएंगे, बाकी टेक्स्ट इसी तरह से जैसे इस पर लिखा है वो लिखा जाएगा और ये कंप्लीट हो जाएगा। सही, अब इसको करके देख लें, भेज रहा हूँ इसका असाइनमेंट मैं आपको। ये सारे बना रहे खाना बंदा पुट जड़ी तक।